जय हिंद दोस्तों। तो सुबह सुबह की बारी है, सुबह सुबह निकल चुके हैं हम होटल से और अब फूड टूर करेंगे हमें ट्रैवल करके आसपास के जितने भी। यहाँ एक पार्क है, पार्क का नाम क्या है? आज हम मेन मॉन्यूमेंट पे जा रहे हैं जिसके लिए हिरोशिमा दुनिया में फेमस है। हाँ, बम ड्रॉप के जहाँ पे बम गिरा था, परमाणु बम। शुकेन में जा रहे हैं पार्क में, तो देखने के बाद फिर दिखाते हैं आपको, उसके बाद से चलते हैं। चलिए चलते हैं फिर आज की जर्नी शुरू। सुप्रभात। हालांकि ये शहर का आउटर एरिया है, बट अभी जो मेन शहर है या जो मेन जो डोम है जो कि बम ब्लास्ट के समय बच गया था, उसमें हम अभी आपको ले चलेंगे। यहाँ पे एक गार्डन है जो कि उसकी पीस के लिए बना था, अभी फिलहाल उस गार्डन में जा रहे हैं। बाकी देखिए कितना डेवलप कर दिया। 1945 में बम ब्लास्ट में पूरा शहर एकदम तबाह हो गया था, लेकिन उस तबाही के बाद का मंजर आप देखिए। ये है पीस मेमोरियल, इधर जाना है। हिरोशिमा कैसल इधर जाना है। जो शुकेन गार्डन है वो भी इधर है। वर्ल्ड पीस मेमोरियल इधर करके है, स्टेशन इधर है। चलिए इधर गार्डन है, गार्डन की तरफ चलते हैं। तो ये है जी पार्क। पार्क में जो है 200 yen की टिकट है, 260 की, और से का 150 है। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो 150 yen, और अगर आप ऐसे हैं बच्चे जूनियर 100 yen। नहीं तो आगे ये ऐसा मछलियों के लिए है, मछलियाँ यहाँ तो होती हैं जिनको कि 100 yen का मिलता है। ये इन्होंने पता नहीं क्यों बांध रखे हैं, शायद कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए या फिर तुम्बी और तुम्बी। और इसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन प्रोटीन सब होता है। ये पक्षी तो ऐसे पक्षी जब खाते हैं उनकी तबीयत भी ठीक रहती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज जो है इसको बोलते हैं ब्रिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ। तो आप लोग देख लीजिए भैया, धरती वहाँ है उस साइड या धरती इस साइड है, और हेवन किधर है, इधर है या उधर है, देख लीजिए। बना रखा है इन्होंने काफ़ी अच्छा। देखिए ये लोग भी आ गए, हमारे कुछ दोस्त मेहमान। ये हमारी मछली जो है, ये बड़ी वाली प्राणी आ गई। लो तुम भी लो, मुँह खोल रही हो। ऊपर नहीं जाना है इसमें, वरना हेवन और उससे जो है कहीं और पहुँच जाओगे। अच्छा ये जो जितने इसको दानवीर खान खिलाने वाले बन रहे हैं ना, अभी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहेंगे मछली फ्राई ले आना, मछली फ्राई, मछली मटन, पता नहीं क्या क्या मांगे हैं। यहाँ खूब प्रेमी बन रहे, खूब खाना पीना खिला रहे हैं जापानी, और अभी जाएंगे थोड़ी देर में, कहेंगे मछली फ्राई, ये फ्राई वो फ्राई, खूब दबा दब चलेगी। मॉन्यूमेंट चलते हैं जहाँ बम गिरा, बम का जो बम में बम ब्लास्ट में जो बच गया था बेसिकली, उस मॉन्यूमेंट चलते हैं। और ये रोमन डेंशा है, देख लीजिए ऐसे चलती है सड़क पे, बीच सड़क पे, जैसे हमारा ट्राम चलती है कोलकाता में ट्राम चलती है, उस तरीके की ट्राम है ये, कह सकते हैं आप। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं हिरोशिमा कैसल। तो देखिए ये है, कैसल बंद कर रखा है, ये ओसाका कैसल की तरह ही बट उससे छोटा लग रहा है। तो मैं कैसल तो आपको अंदर से दिखा नहीं सकता कि फिलहाल टेम्परेरली क्लोज है ये। जब बम ब्लास्ट हुआ था तो मुझे लगता है कि इधर उसका मतलब बिल्डिंग वगैरह का इफेक्ट कम आया रहा होगा, जिस वजह से ये अभी खड़ा है वैसे ही, या फिर हो सकता है रिफर्निश किया हो इसको। हाँ द बॉम्ब ये रहा, ये भी है, कौन की दाग ये भी है, ये सर्वाइव कर गया। 6 अगस्त 1945 का बम ब्लास्ट हिरोशिमा, बम ब्लास्ट में सर्वाइव कर गया। सर्वाइव का मतलब उसमें रेडिएशन हो सकती है, धूप धूल से दूर हो गया, धूप धूल से दूर हो गया। ये जो है पेड़ बम में सर्वाइव किया था, आप लोग देख लीजिए कितना मतलब वो हो गया है। यही तब से ठीक नहीं पाया, तब से उगा नहीं है ठीक से, और अभी भी देखो सपोर्टिंग खंभे खड़े हैं इसके। इसमें बम के मार को झेलने के बाद देखिए इसकी क्या हालत हो गई थी, लेकिन सपोर्ट पे खड़ा है ये। यूकेलिप्टस, हमारे इंडिया में भी होता है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का है। दिस ट्री सर्वाइव्ड 6 अगस्त 1945 एटॉमिक बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा अप्रोक्सीमेटली 740 मीटर फ्रॉम हाइपोसेंटर, सर्वाइव किया था। सर्वाइव वाला ये, बट वो उस ब्रीड का वही पेड़ बचा हुआ है, और इसका देख, इसका ऐसा ग्रह भी है, इस तरह से ग्रह भी है, मैं यहां जो टेढ़ा मत दिख रहा है। ये रहा हमारा हिरोशिमा कैसल का टूर। अब चलते हैं मेन मॉन्यूमेंट जो बना हुआ है, जो एक बिल्डिंग रह गई थी सर्वाइवल टॉम जिसको बोलते हैं, उस पर चलते हैं, वो आपको फाइनली दिखाते हैं। उसके फिर बाद दिखाने के बाद हम करेंगे प्रस्थान ओसाका की तरफ। ये रहा, ये है वो टॉम जो कि आप देखिए, जो कि बच गया था ध्वस्तीकरण से। तो देखिए हमारे साथ मिल गए हैं, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं रिपुदमन सिंह जी, पंजाब से, पटियाला से हैं आप जी? पटियाला से, और घूमने के लिए आज छुट्टी है तो घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे ओसाका में ही, अरे सॉरी हिरोशिमा में जी, जी। फिर कहाँ, इंडिया वापस या किसी और? नहीं नहीं, अभी 10th को यहाँ से हम लोग शिप में निकल रहे हैं। अच्छा, तो शिप अभी यहाँ पे खड़ा है, न्यू शिप है, तो यहाँ से 10th को हम लोग फिर चाइना जाएंगे, और उसके बाद चाइना से कार्गो लोड करके यूएस। यूएस मतलब अलाउड होता है एंट्री किसी भी कंट्री में?
मोस्टली अलाउड होता है, शिप अगर जा रहा है तो आप घूम सकते हैं। अरे वाह, अरे ये तो बढ़िया चीज़ है। तो आपको वीज़ा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? वीज़ा नहीं, हम लोग का पास बनता है तो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एजेंट, वो हो जाता है। अच्छा, हो जाता है, चलिए। तो मतलब घर से कितना दिन आप शिप में बिताते हैं, कितना दिन रहते हैं शिप में? अप्रोक्सीमेटली 6 months। पूरा शिप में? शिप में डर वर नहीं लगता मतलब? नहीं नहीं नहीं, डर तो कहाँ है, खाना पीना सब वही होता है? सब वही होता है। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ पर रास्ता नहीं होता। देख लीजिए कितनी तबाही मची थी, पूरा डिस्ट्रक्शन के साथ, डिस्ट्रक्शन के साथ ऐसी थी स्थिति। अभी शायद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है यार, एटॉमिक मार झेली हुई है। शहर जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गया, मतलब जीरो से इन्होंने कितना डेवलप किया, कितना उठाया, और कितने सालों में, 60-70 सालों में कितना अच्छा डेवलप किया, पूरा शहर को फिर से खड़ा कर दिया। और इन्होंने ये नहीं कि 70 सालों में खड़ा किया, कुछ ही सालों में, 15-20 सालों में पूरे शहर को एकदम पूरा डेवलप कर दिया। सबसे बड़ा रीज़न इसका क्या है कि जो यहाँ के जब ब्लास्ट हुआ था तो रेडिएशन काफ़ी फैल गया था, मतलब रेडिएशन तो अब किसी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यंग जेनरेशन थी उन्होंने कहा कि नहीं, इस शहर को डेवलप करने के लिए हमारे यंग जेनरेशन में जो लोग बूढ़े थे, जो रिटायर्ड थे, उन्होंने कहा हम काम करेंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे क्योंकि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली लल्ला, अब तुम्हारी तो अभी शुरू हुई है। वही डायलॉग, उसी तर्ज पर उन्होंने काम किया, जी तोड़ काम किया, रात दिन काम किया, और शहर को फिर से देखिए बसाया उस तरीके से। ये पहले ऐसा था इस तरीके का, एंड उसके बाद फिर ये ऐसा हो गया। अभी इसकी यहाँ पे एक ज्योति भी जलती है, और इसका इन लोगों ने ये कहना है कि ये ज्योति उस दिन बुझाई जाएगी जिस दिन पूरी दुनिया से परमाणु बम ख़त्म हो जाएगा, मतलब कभी नहीं बुझाई जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। ये जो मॉन्यूमेंट जो बना है, ये बना है एक लड़की है, बच्ची थी, सदाको ससाकी करके, जो जिसको 2 साल की उम्र जब उसकी थी तब यहाँ पे जो बम गिरा था उसके इम्पैक्ट उनको पड़ा था। 10 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, बट वो ल्यूकेमिया करीब बीमारी होती है उसकी वजह से हुई थी, जो उनको बॉम्ब की वजह से हुई थी। तो उनकी याद के अंदर जो उनके स्कूल के, उन क्लास के बच्चे थे, उन्होंने कैंपेन चलाया था, उन सब लोगों ने मिल के कि आगे चल के हमें पीस जो चाहिए, हम भैया किसी की लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं चाहिए, शांति शांति प्रेम के लिए। उन्होंने ये 8 साल लगे, 8 साल के अंदर सबने 3,200 स्कूल जो हैं जापान के, उन्होंने डोनेशन करी, उसके साथ साथ 9 कंट्री अलग अलग देशों से पैसा आया था डोनेशन करी, और ये मॉन्यूमेंट खड़ा किया गया। इस मॉन्यूमेंट के अगर आप ऊपर देखेंगे, जूम कीजिए, ऊपर देखेंगे तो ऊपर वहाँ पर सदाको क्रेन लेके खड़ी है, क्रेन के जो निशानी है वहाँ पर, क्रेन वहाँ पर है, वो शांति और प्रेम की निशानी है। उसके लेफ्ट और राइट पे लड़का और लड़की छोटे बच्चे बने हुए हैं वहाँ पे, और नीचे पत्थर पे लिखा है ये हमारी गुहार है, ये हमारी गुहार है, हमारी एक हमारी प्रार्थना है शांति के लिए इस दुनिया के अंदर, इसके ऊपर ये प्रतीक बनाया है। तो बच्चों के लिए स्पेशली है, जो आगे हमारे आने वाली जेनरेशन है। ये भी क्रेन का शेप का घंटी बना हुआ है, आप देखिए इसमें अंदर। तो ये है जी एक अमर ज्योति जो इनकी जल रही है, ये ज्योति उसी दिन बुझेगी जिस दिन दुनिया से एटम बम ख़त्म हो जाएंगे। कोई यहाँ से बचने का नहीं, ये जो भी बचे कुछ जो भी थे, जब जले इनकी बॉडी थी, जले बने थे जितने भी लोग थे, और जो जलाशय निकल रही थी यहाँ से पिघलती हुई निकल रही थी, उनकी कोई पहचान ही नहीं, शक्ल जल गई पूरी, पिघल गई, काला कोला बन गया शरीर का। तो जापान में लोगों ने उस समय क्या करा था, जंग के समय इन्होंने हर किसी को लाल रंग का एक टैग दे दिया था, किसमें निशानी जब किसका कहाँ है। तो कुछ लोगों जिनका टैग बच गया था, उनकी निशानी होगी, शिनाख्त हो गई उनकी, जिनका नहीं वो पिघल गए पूरे, पूरी तरह से हालत बुरी हो गई, पूरी लाखों की तादाद के अंदर यहाँ पे लोग पिघले गए। 700 लोग तुरंत यहाँ पे मारे गए थे, और 700 या 70,000 70,000 लोग तुरंत आपके यहाँ पे खत्म हो गए थे, और उसके बाद आपके 400,000 लोगों के यहाँ पे असर पड़ा था पूरे का पूरे। बराबर द लास्ट न्यू क्विस्टी एक्टिवेटेड, दैट इज अ फैक्ट, बट द नॉलेज दैट बिल्ट इट इज स्टिल आउट देयर। How long the world remains nuke-free is up to us. Will this moment persist? Or will human ambition cast us into the flames once more? Our duty is to pass on what we've learned to the next generation. The memories, the experiences, the sins.
Only when our children show the wisdom not to forge new spears. Only then will we be truly triumphant. जितने भी लोग मरे हैं उनके शवों का वो एक स्मृति चिन्ह अंदर जा करके रखा हुआ है, बट अभी बंद चल रहा है, उसमें जा नहीं सकते। तो ये देखिए जो पड़े हैं ना ईंट पत्थर, ये वो चीज़ें हैं जो कि जैसे बम के समय, बम ब्लास्ट के समय, जो कि लोगों उसके बाद लोगों के छतों से, छज्जों से उठा करके, या जो टाइलें वगैरह जो बची थी उसको यहाँ पर रखा गया है, ये पीस मेमोरियल के पास। तो दोस्तों क्या है कि हमारा आज का यहीं का पूरा हुआ संपर्क, ये हमारा होटल से हमने चेकआउट कर लिया और अब हम जा रहे हैं, वो सामने देखिए हमारे बस अड्डा है, ठीक होटल के सामने ही बस अड्डा है और बसें खड़ी है, और ये आपका शिनकानसेन क्या बोलते हैं इसको, बुलेट ट्रेन की स्टेशन है, इसके नीचे बस अड्डा है। अगर आप बुलेट ट्रेन से आएंगे तो आपका किराया लगभग लग जाएगा एक तरफ का 8 से 9 हज़ार, और अगर बस से आएंगे तो 3700 से 3800 के आसपास। और आप इंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मैं अभी आया जी, नमस्कार।